अक्सर हम WWE में देखते हैं कोई फीमेल रेसलर किसी मेल रेसलर को स्लैप या अटैक करते हुए नज़र आती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 5 मेल रेसलर्स के बारे में जिन्होंने किया वुमेन्स के ऊपर अटैक WWE रिंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नेक काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। नंबर 5, स्टीव कोन स्टीव ऑस्टिन। ऑस्टिन ऐसे रेसलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रेसलर है, जो कि कोई सुपरस्टार उनके ऊपर अटैक करे तो फिर से अटैक करता है, भले वो विमेन रेसलर क्यों ना हो। ये कई सारे विमेन रेसलर के ऊपर अटैक कर चुके हैं WWE में, जब भी वो रेसलर किया करते थे। एक बार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने विंस मैकमैन के वाइफ लिंडा मैकमैन को भी स्टनर लगा दिया था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, स्टेफनी, शेन मैकमैन, विंस मैकमैन को स्टनर लगा चुके थे, बाकी थी सिर्फ लिंडा मैकमैन और उनको भी वो स्टनर लगा चुके हैं। ये स्टनर वन ऑफ द बेस्ट स्टनरों में से एक था WWE हिस्ट्री में। नंबर 4, मे यंग। डडली बॉयज हमेशा से एक हार्डकोर रेसलर्स रहे हैं, जिनमें से बबारे भी है। बबारे ने पावर बम दिया हुआ है मे यंग को स्टेज के ऊपर से, वो भी टेबल के ऊपर, और ये पावर बम था WWE मोस्ट न्यूट्रिशियस पावर बम इन WWE हिस्ट्री। और उस टाइम मे यंग 77 ईयर्स की थी जब भी उन्हें लगा था पावर बॉम बबारे से, और ये इस बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी मे यंग। उन्हें जो पावर बॉम खाया तो जैसे खाया जैसे वो एक चैम्पी हो। और बबारे ने एक्सप्लेन किया कि जब भी उनको पावर बॉम मारा तो मुझे कुछ चीज़ का एहसास हुआ। मे यंग ने वहाँ पर एक कार्यक्रम कर दिया था तो बबारे को एहसास हो गया था। नंबर 3, 2006 के एक रॉ के एपिसोड में लीता ने फेस किया था जॉन सीना को फॉर द नो होल्ड बार मैच, पर इसके अंदर एक स्टिपुलेशन ऐड करी गई थी। सीना का जो एक हाथ है वो बंधा रहेगा पीछे, और वहाँ से ही एक हाथ से उन्हें मैच करनी होगी लीता के अगेंस्ट। लीता ने मारा था सीना को एक ज़ोरदार लो ब्लो और लगाए काफ़ी ज़्यादा स्लैब्स, पर उस स्लैप ने सीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया और सीना ने उन्हें एक हाथ से ही AA लगाया और मैच किया ख़त्म सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही। और गाइस, रेफरी के मुंह पे स्माइल देखिए, जैसे जॉन सीना ने उठाया वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। नंबर 2, 2019 के रॉयल रंबल में नाया जैक ने एक हिस्ट्री बनाई थी, जो थी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कम्प्लीट किया 2 रॉयल रंबल में, पहला वेमेंस का और दूसरा मैंस का रॉयल रंबल। ऐसी ये 4th वुमेन रेसलर है जिन्होंने मैंस के रॉयल रंबल में एंट्री ली थी, जहाँ पर आर्थ्रूथ आने वाले थे उन्हें पीट कर वो खुद ही रिंग में एंटर हो गई, जो कि एंट्री नंबर 30 थी, और आते ही उन्होंने मुस्तफ़ा अली को एलिमिनेट कर दिया, और जो काफ़ी शर्मनाक था। जैसे उन्होंने एलिमिनेट किया मुस्तफ़ा अली को, उन्हें डिस्ट्रॉय किया डॉल्फ ज़िगलर, रे मिस्टेरियो एंड रैंडी ऑर्टन ने, और उन्हें एलिमिनेट कर दिया। सीन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, जहाँ पर नाया जैक्स को मिली एक सुपर किक, फिर मिला एक 619, फिर मिला एक RKO। नंबर 1, ये WWE का काफ़ी हाल ही में हुआ इंसिडेंट है, जहाँ पर एक मिक्स टैग टीम मैच थी, जहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच थे और सामने थे उनके ओपोनेंट लेसी इवेंस एंड बैरन कॉर्बिन, जहाँ पर हुआ था मैन अटैक वुमेन, और यह हुआ था एक्सट्रीम रूल्स 2019 में। मैच के बीच में बैरन कॉर्बिन ने लगा दिया था बेकी लिंच को एंड ऑफ डेज। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए बेकी लिंच खुद को द मैन कहती है, तो उन्हें एंड ऑफ डेज भी एक मैन को ही पड़ा है, और सेथ रॉलिंस ने ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था बैरन कॉर्बिन को रिंग में, जहाँ पर उन्होंने 3 स्टॉम्प्स लगा दिए थे किंग कॉर्बिन यानी कि अपने बैरन कॉर्बिन को। उन्हें टाइटल रिटेन किया और उनकी खुशी खुशी नहीं रही, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने एंट्री करके अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैशिंग कर दिया था सेथ रॉलिंस के ऊपर, और यहाँ पर उन्होंने टाइटल जीत लिया था ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल टाइटल। तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे 5 मेल रेसलर जिन्होंने फीमेल रेसलर के ऊपर अटैक किया।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोजाना वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कुछ टॉपिक आप बताना चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो और नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।